हरियाणा के जिला यमुनानगर के खंड प्रताप नगर के गांव तिहमो में रहस्यमय तरीके से मकान की छत से दूध टपकने का मामला सामने आया है, जिसको देखने के लिए आसपास के ग्रामीणों का तांता लगा हुआ है। छत से दूध टपकने का रहस्य का पता नहीं चल पाया। लोगों में इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुकता बनी हुई है। हालांकि अभियुक्त तरल पदार्थ जो कि दूध की तरह दिखता है के सैंपल की सरकारी जाँच अभी तक नहीं हुई। मौके पर उपस्थित शिषपाल जसविंदर सैनी ने बताया कि ये मकान रूलदाराम कश्यप का है, जिसके मकान की छत से दूध टपकता हुआ दिखाई दिया। जिस जगह पर दूध टपक रहा था वहां पर नीचे गाय की बछिया बंधी हुई थी। दूध की बूंदे गाय की बछिया के सिर के ऊपर टपक रही थी। पास बैठे ग्रामीणों ने जब देखा कि बछिया बार बार सिर को हिला रही है तो उन्होंने सोचा कि शायद बछिया को कोई दिक्कत है। तो जब उन्होंने पास आकर देखा तो उसका सिर दूध से भीगा हुआ था। जब उन्होंने ध्यान लगाकर ऊपर देखा तो मकान के एक कोने से दूध टपक रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि पहले तो सोचा कि शायद किसी बच्चे ने मकान की छत के ऊपर दूध डाल दिया होगा, जिसकी वजह से वह छत में रिसाव होकर नीचे टपक रहा है। पर जब ऊपर जाकर जांच की तो पाया कि कहीं पर भी किसी तरह का कोई निशान नहीं था और छत के नीचे दूध लगातार टपक रहा था। मकान की छत से दूध टपकना ग्रामीणों के लिए रहस्य बन चुका था। उन्होंने बताया कि परिवार की छोटी गुड़िया ने एक बर्तन में दूध को इकट्ठा किया, जिसको ग्रामीणों ने चक्कर देखा तो दूध बिल्कुल असली जैसा पाया। रहस्यमय तरीके से लगातार छत से दूध टपकने की बात सुनकर ग्रामीण और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और इसे सभी लोगों ने कई घंटों तक अपनी आंखों से देखा। चाचे ने देखा जी मारे। अच्छा। हमने कोई देखा जी, फिर यो गोबर बड़ा जी सारे लेंटर का। अच्छा, चारों तरफ चेक कर लिया। हां जी, 10 बजे तो पहले ही चल रहा जी, 10 बजे पहले ही हो सकता जी। आज यहां खड़े था जी, मैं पास में आपके पिछले पास था जी। तो मैंने देखा पता है मछली गिर थी नीचे बंदी, उसका जो है वो कान कून से मार रही थी अपने, मैंने कहा मक्खी लग रही थी। अच्छा। तो जब मैंने ध्यान से पूरा देखा रहा जी ऊपर। अच्छा जी। तो ऊपर दूध चल रहा जी लेंटर पर। अच्छा जी। तो दूध जो चाह रहा जी नीचा, फिर मैंने आंखों को मारी जी, ने कोई नहीं था जी। अच्छा जी। ऊपर भी देखा मैंने, ऊपर बच्चे ना गिर रहे हो। अच्छा। तो कोई नहीं था जिस टाइम दूध चल रहा था, फिर मैंने आवाज मारी नहीं आए, इन्हें महा देखा नहीं आएगा वहाँ दूध गिर रहा था। दूध गिरने के बावजूद फिर बर्तन लिया जी, बर्तन वहाँ इकट्ठा करो भाई। अच्छा जी। इकट्ठा करने थे जो मैं इकट्ठा हो गया, फिर हमने पी कर देखा टेस्ट करके मीठा है दूध। अच्छा अच्छा, ऐसा सेम गाय का दूध हो जी। यमुनानगर से प्रीति सैनी की रिपोर्ट, युग मार्ग टीवी।